हमारी संगीता बेनीवाल जी, कर्ण सिंह उचियाड़ा जी, ताराचंद जी, अर्चा यादव जी, हमारे आरआर किवाड़ी जी, शहर के जिलाध्यक्ष विजय जैन जी, इंद्राज कीचड़ जी, सुनीता गिडराला जी, विष्णाराम जी, रविंद्र त्यागी जी, भैरूलाल चौधरी जी, दिनेश चुंडा जी, जसवंत गुदर जी, स्वर्णिम चौधरी चतुर्वेदी जी, राजेंद्र यादव जी, प्रतिष्ठा जी, जियावर रहमान जी, योगेश मिश्रा जी और जितने भी मंच के ऊपर नेता बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले सका हूं, माफी चाहता हूं। और वो तमाम सामने बैठे हुए मेरे कांग्रेस के जाबाज शेर, जिनको राहुल गांधी जी शेर कहते हैं, जिन्होंने यहां आकर के इस प्रदर्शन में भाग लिया। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात की है, मैं आपके सामने 10, 15, 20 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि ये धरना प्रदर्शन आप सबको पता लग गया होगा कि क्यों हो रहा है। कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं ने अडानी जी के साथ मिलकर के और सेबी प्रमुख के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा घोटाला किया, शेयर मार्केट का घोटाला किया। हमारी दिल्ली में बैठक हुई, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष थे, चर्चा चली कि किस प्रकार से हमें ये कार्यक्रम हाथ में लेकर के इस महाघोटाले के बारे में देश और प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटा मोटी अगर हम कोई बात करें तो न कोई हर किसी के सेबी समझ में आता है, न हिडनबर्ग समझ में आता है, न केवल घोटाले की बात करते हैं लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन हम सब ने तय किया कि हम प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में जाएंगे, इस बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से सुनियोजित रूप से चंद एक दो तीन बड़े उद्योगपतियों को, जिसमें अडानी जी शामिल हैं, उनको लाभ देने के लिए, देश की तमाम परिसंपत्तियों के ऊपर कब्जा कराने के लिए इन्होंने किस प्रकार से मिली भगत करके घोटाले किए हैं और आम व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया है, आम व्यक्ति को और ज्यादा गरीब करने का काम किया है, उसके हितों के साथ में उन्होंने शोषण करने का काम किया है।